आप अपने फ़ोन को वापस ला सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, स्वाइप करके नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पे इतना सारा फ़ोन मोबाइल ब्लॉक्ड हुआ है, इतना ट्रेस्ड हुआ, मतलब इतना मिल चुका है, इतना ब्लॉक हुआ है। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन चोरी हो चुका है या कहीं भुला गया है, दोस्तों हो सकता है कि आप कहीं जाते होंगे, आप वहाँ पर अपना फ़ोन रख के भूल चुके हैं या आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन चोरी हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अपने लॉस्ट फ़ोन के बारे में पता करना चाहते हैं, आपका फ़ोन चोरी हो चुका है और आप उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, अपने भुलाए हुए फ़ोन को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन चोरी हो चुका है और आप उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में जो बताऊँगा सारे प्रोसेस को अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका भी भुलाया हुआ फ़ोन वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कहीं भुला जाता है, मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाके फ़ोन को भूल जाते हैं, फ़ोन को रख के भूल जाते हैं और आपको याद नहीं आता आपका फोन कहाँ है, तो उसकी लोकेशन आप ट्रेस करना चाहते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप बहुत आसानी से अपने फोन को ढूंढ सकते हैं और अपने फोन को वापस पा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपका फोन मान लीजिए कि चोरी कर लेता है, तो आप उसको अपने तरफ से ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब आपके फोन का कोई भी डेटा, कोई भी प्राइवेसी उसके पास नहीं जा सकती है, ठीक है। दोस्तों आप घर बैठे अपने फोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फोन का IMEI नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। IMEI नंबर दोस्तों आपको फ़ोन के डब्बा पर मिल जाएगा, नहीं तो बिल बॉक्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है। 06#, इस नंबर पे जैसे ही आप डायल कीजिएगा तो आपका IMEI नंबर आ जाएगा। दो IMEI नंबर रहता है, दोनों में से जो भी आपका IMEI नंबर आपको मिल जाए तो उससे आपका काम बन सकता है। तो दोस्तों आप ऐसे अपना IMEI नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका फ़ोन तो चोरी हो गया, तो आप ऐसे डायल करके तो नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना फ़ोन का जो बिल बॉक्स होगा उसको ढूंढ लेना है और उससे आप बहुत आसानी से अपना IMEI नंबर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, IMEI नंबर आपने निकाल लिया, IMEI नंबर आपने मान लीजिए ढूंढ लिया है, आपने निकाल लिया, तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है या आपका फ़ोन कहीं भुला गया है तो दोस्तों आप उसको वापस से ला सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि वापस आपको नहीं मिलता है तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, फिर जब वो वापस आएगा तो उसको आप अनब्लॉक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको संचार साथी SNCHAR SNCHAR ये एप्लीकेशन आपको सर्च कर लेना है क्रोम पे। फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए गवर्नमेंट पोर्टल है, मतलब गवर्नमेंट ये साइट है, तो दोस्तों बिल्कुल ही सेफ साइट है, तो इस पे आप बहुत आसानी से अपना डिटेल्स भर के आप अपने फ़ोन को वापस ला सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, स्वाइप करके नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पे इतना सारा फ़ोन मोबाइल ब्लॉक्ड हुआ है, इतना ट्रेस्ड हुआ, मतलब इतना मिल चुका है, इतना ब्लॉक हुआ है, कितना है 21,30,823 मोबाइल फ़ोन जो है ब्लॉक हुआ है और 12,13,949 मोबाइल जो है ट्रेस हुआ और वो वापस मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, देखिए सारा डिटेल भी मिल जाएगा कि बिहार में कितना मिला या चोरी कितना हुआ, पकड़ाया कितना, सब कुछ यहाँ पे डिटेल भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से आप अपने फ़ोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्वाइप करके नीचे आ जाना है, नीचे आते रहिएगा तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉमर्शियल, फिर यहाँ पे है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन चोरी हो चुका है तो यहाँ पे सारा डिटेल्स भरिएगा, तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो आपका ट्रेस हो जाएगा। जब भी ट्रेस होगा तो पुलिस के द्वारा आपके पास कॉल आएगा और आप अपने फ़ोन को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, अपना फ़ोन नंबर डिवाइस में जो फ़ोन नंबर लगा होगा, जैसे कि जो चोरी हुआ होगा आपका फ़ोन या भुलाया होगा, उसमें जो भी सिम कार्ड लगा होगा उसका फ़ोन नंबर होगा, वो फ़ोन नंबर, अगर दो सिम कार्ड लगा होगा तो दोनों फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर एक सिम कार्ड लगा होगा तो एक नंबर ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों IMEI नंबर दो होता है जो मैंने बताया था, दोनों IMEI नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डिवाइस ब्रांड, तो आपका जो फ़ोन है मोबाइल फ़ोन जो चोरी हुआ है या भुलाया है, वो जो कंपनी का है वो कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, एरो पे क्लिक करके वो कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब कंपनी जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद डिवाइस मॉडल, आपका मॉडल जो भी डिवाइस का वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ इनवॉइस,
आपने जो मोबाइल ख़रीदा होगा तो आपके साथ आपका बिल भी मिला होगा, जैसे आप किसी शॉप से ख़रीदे हैं या ऑनलाइन मंगाए हैं तो उसका बिल होगा। बिल को यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको बिल का फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये कंपनी दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट साइट है इसको भी पता होना चाहिए कि आपका ही फ़ोन है, आप अपना ही फ़ोन ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्वाइप करके नीचे आइएगा तो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो फ़ोन चोरी हुआ या भुलाया उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल्स में भरना है। लॉस्ट प्लेस, आपका फ़ोन कहाँ भुलाया, तो दोस्तों आपका फ़ोन जहाँ भी भुलाया है उसका डिटेल आपको भर देना है। लॉस्ट प्लेस, आपका जहाँ भी फ़ोन भुलाया है, जैसे कि मॉल में भुलाया, पार्क में भुलाया है या कहीं पे भी भुलाया, उसका डिटेल भर दीजिएगा। लॉस्ट डेट, आपका जब भी फ़ोन भुलाया उसका दिन तारीख कुछ याद होगा आपको, वो भर दीजिएगा। स्टेट आपका जो भी है, आपका बिहार है, यूपी है या जो भी स्टेट है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका फ़ोन भुलाया है वो स्टेट भर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट भी भर दीजिएगा जहाँ फ़ोन भुलाया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए बिहार में रहते हैं और यूपी में आपका फ़ोन भुलाया है तो यहाँ जहाँ भुलाया है वहाँ सारा डिटेल भरिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, आपका मतलब जहाँ भुलाया वहाँ पे नज़दीकी कोई पुलिस स्टेशन होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पुलिस कंप्लेंट नंबर, आपने जो फ़ोन भुलाया है तो एक कंप्लेंट नंबर आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप पुलिस कंप्लेंट करवाए होंगे तो उसका पुलिस कंप्लेंट नंबर मिलता है, पुलिस कंप्लेंट नंबर यहाँ पर डाल देना है और उसका पुलिस कंप्लेंट नंबर का एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अगर मोबाइल ऑनर होंगे या आपका कोई फ्रेंड का फ़ोन भुलाया है तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना होगा। ऑनर का नेम डालना होगा, उसका एड्रेस डालना होगा, उसका कोई पहचान पत्र डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसका आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसका फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जो अभी उसके फ़ोन में ऑन होगा, क्योंकि जब भी फ़ोन मिलेगा तो उसको कॉल किया जाएगा। उसका पर्सनल ईमेल आईडी डाल के, कैप्चा डाल के, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर OTP, फिर जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अभी मौजूद हो, दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर अभी आपके पास मौजूद होगा वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ डाल के गेट OTP पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा और दोस्तों एक महीना के अंदर दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। और ढूंढने के बाद आप जो भी नंबर यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे डालिएगा उस नंबर पे आपके पास कॉल आएगा और आपका फ़ोन वापस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपने IMEI नंबर से अपना भुलाया हुआ फ़ोन को वापस ला सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो की रेडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।